अस्सलाम वालेकुम। फातिमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान और मैं हूं नसीम राजपूत और मेरे साथ मिशा इमरान जी। आज कराची वर्सेस पेशावर का एक बहुत अच्छा मैच खेला गया जिसमें बाबर आजम ने बहुत अच्छा स्कोर किया। ही वाज द मैन ऑफ द मैच। व्हाट अ ब्रिलियंट शो बाय हिम, व्हाट अ ब्रिलियंट शो बाय हिम। एंड देन उसके बाद कैप्टन इमाद वसीम वाज ब्रिलियंट एज वेल। उसके बाद व्हाट अ नॉक बाय इफ्तिखार। 3 balls 3 boundaries। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, ओवरऑल मीशा जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें अगर पिछले 4 सीजन देखें तो स्ट्रगल करती हुई आई हैं, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं हम कराची किंग्स का अगेंस्ट पेशावर जलमी, एक मरतबा की चैंपियन 2 फाइनल खेलने वाली टीम के खिलाफ, तो 11 मैचेस खेले, उनमें से आज 9वां मैच जीते। तो उनकी परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है अगेंस्ट पेशावर जलमी मेरा ख्याल है किसी और टीम के खिलाफ नहीं होगा। बट डोंट यू थिंक उन्होंने अपने होम ग्राउंड पे इतना अच्छा खेला है? तो उसके बाद आपको नहीं लगा कि डीन जोन्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो पहले कर रहे थे, 2 टाइटल्स जिताए। उसके बाद कराची की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन आज उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि डीन जोन्स की मैनेजमेंट में कितना आपको इम्पैक्ट लग रहा है? मिशा, अब तक डीन जोन्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि डीन जोन्स के साथ मैंटोर की हैसियत से वसीम अक्रम भी मौजूद है डग आउट में, और वसीम अक्रम का बहुत बड़ा रोल दिखाई दिया। आज मैंने देखा था कि जिस वक्त आमिर गेंद कर रहे थे और उनके हाथ में गेंद भी लगी थी, एक तेज शॉट आया था सामने, तो उस वक्त वसीम अक्रम जो है वो बिल्कुल बाउंड्री पे खड़े हुए थे और वो एक एक चीज जाके आमिर को बता रहे थे, क्योंकि बड़ा क्रूशियल मैच चल रहा था। डैरन सैमी जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लाइम डाउसन उनके साथ जिस तरह खेल रहे थे, तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फिर मजा आया मैच में। जो इंपॉर्टेंट चीज है, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं और ऑल क्रेडिट गोज टू द क्यूरेटर ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची रियाज साहब, जबरदस्त, क्योंकि 200 के ऊपर अगर 200 चेस हो रहा है तो ये एक जबरदस्त किस्म की बिल्कुल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। तो फिर हम दोनों कब तक बात करेंगे इतने सारे लोग? इकबाल मोहम्मद अली खान, ही इज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। मिस्टर जफर इकबाल, ही इज अ फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, thank you and welcome. Mr. Taufiq Khalid, he's a cricketer and a sports anchor, thank you for being with us. सरफराज के साथ खेलेंगे जी, okay जी आगे, okay. Then we have Sayed Mehboob Alam with us, he's the vice chairman Al Sayed Sports Committee. After that we have Sayed Abdul Majid, he's the vice president Al Sayed Sports Committee. And then last but obviously not the least we have Mr. Rafis Safdar, he's a first class cricketer, thank you for honoring us with your presence here, thank you so much. बिल्कुल, आज इकबाल भाई बहुत खुश होंगे क्योंकि कराची की टीम मैच जीती है और बड़ा तगड़ा मैच जीती है। तो सुना है आज आपने तो घर पे जब टीवी पे मैच देख रहे थे तो भंगड़ा वगैरह भी डाला? मैंने यही मैच देखा है। अच्छा, यही देखा था। वैसे इकबाल भाई, कराची और लाहौर, आज भी लाहौर की जो हम कारकर्दगी देख रहे हैं क्योंकि इस वक्त 2nd मैच जारी है जिसमें लाहौर कलंदर्स की टीम एक मरतबा फिर स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। जो उनको स्टार्ट मिल गया था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, उसके बाद फिर उनकी टीम कोलैप्स कर गई और 138 रन का टारगेट है मुल्तान सुल्तान्स के सामने। जिस तरीके के उनके बैट्समैन खेल रहे हैं, कोई आउटसाइड चांस ही होगा कि लाहौर के कोई शाहीन शाह अफरीदी कोई बड़ा स्पेल कर दें, हारिस रऊफ कर दें, उस्मान शनवारी कर दें, लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो फिर मुल्तान सुल्तान्स का बड़ा कमांडिंग पोजीशन में दिखाई दे रहा है। ये बहुत देखने में आ रहा है कि इवन तो हमारी बैटिंग पिचेस हैं, सारे कैप्टन्स टॉस जीत के फील्डिंग ले रहे हैं। देखिए इसके बाद चेस करने में उनको देखें डिफिकल्टी, जैसे कल कोयटा को थोड़ी डिफिकल्टी हुई, फिर आज जब इन लोगों ने कराची वर्सेस पेशावर में पेशावर हार गया, एंड देन अभी आप देखें लाहौर वर्सेस मुल्तान चल रहे, तो ये क्या इन लोगों ने स्ट्रैटेजी की कि इवन तो बैटिंग पे चाहिए फील्डिंग पे जाके इनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? देखिए मिशा, लाहौर में तो इस वक्त भी ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा है, वहाँ पे टॉस की बहुत वैल्यू है। मैच स्टार्ट हुआ है तो जो टीम भी टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना ही पसंद करेगी, वो बाद में बॉलिंग करना पसंद नहीं करेगी, ना तो स्पिनर्स से गेंद ग्रिप होता है, फिर प्रॉब्लम होती है लाहौर में, तो वहां पर तो डिसीजन सही है। कराची में अगर डैरन सैमी ने, देखिए कल कोयटा ने टारगेट चेस करके फतह हासिल की, तो डैरन सैमी के दिमाग में भी यही होगा कि हम भी चेस कर लेंगे, और वो चेस करने के करीब तो चले गए थे बिल्कुल। तो आपको इसके बारे में हमें क्या बताएंगे कि थोड़ा जो आज इन लोग ने मैच इतना अच्छा खेला है, उसके बाद कराची होम ग्राउंड पे इतना अच्छा खेली, आपको क्या लगता है कि लास्ट परफॉर्मेंसेस उनकी इतनी अच्छी नहीं थी? देखिए दोनों मैच जो थे, आज का जो मैच था कराची किंग और पेशावर जलमी का, दोनों का बराबर का मैच था आज, मैं ये समझता हूँ, और दोनों से उम्मीद ही यही थी कि ये मैच जो है ना बड़ा आखिरी बॉल तक मैच चलेगा और हुआ भी यही, क्योंकि बदकिस्मती पेशावर ज़ल्मी की ये रही कि डैरन समी जो आउट हुआ ना, उसके बाद से उनके पास पीछे वो नहीं रहा। और जिस तरीके से आज का मैच हुआ और जो आज विकेट खेल रही थी, तो मैं इस वक्त ग्राउंड फ्रेंड को बड़ी वो करता हूँ कि उन्होंने ऐसी विकेट बनाई है कि ना किसी के उसके अंदर है और बड़ी परफेक्ट विकेट है। लाहौर में ऐसी विकेट दिखाई नहीं। मैं वही लाहौर की जो है ना, मुझे आज बड़ा मायूस किया लाहौर कलंदर ने कि देखें इतने बड़े टूर्नामेंट में आप एक बच्चे को कप्तान बना दे, ये पता नहीं कहाँ का कोई फार्मूला निकाल के लेके आए थे और अभी उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, अभी उसको अपनी क्रिकेट का एक्सपीरियंस ज्यादा ही तजुर्बे कर रहे हैं। मैं यही सारी चीजें हैं कि आकिब जावेद जैसा प्लेयर, और जो इसमें नो डाउट आकिब जावेद एक बहुत अच्छा बॉलर भी और अपने जमाने में उसने बड़ी और उसने बॉलर प्रोड्यूस किए। आप ये देखिए लाहौर कलंदर से रिजल्ट नहीं आ रहे, वो कब से है लाहौर कलंदर, यही लाहौर कलंदर का जो रिजल्ट नहीं आ रही, तो यही वजह है ना कि आपका जो मिडिल ऑर्डर आप देखें उनका कोलैप्स कर गया, पीछे कुछ भी नहीं रहा। अगर आप मुल्तान से उतारिए, शान मसूद भी तो एक बहुत यंग, देखें शान मसूद को भी मैंने कल कैप्टनशिप की बात करें, मेरी बात सुने, कल भी मैंने एक बात कही थी कि शान मसूद कभी टी20 का प्लेयर नहीं है, टी20 का प्लेयर इतना वो नहीं है जिसको उस तरीके से जिस तरीके से चले उसको कप्तान बना दिया, एक और प्रेशर आ गया उसके ऊपर। और आज आपने देखा अभी तक वो अपनी परफेक्ट बैटिंग जो है ना, जो टेस्ट में या वनडे में खेली, करने कितने रन है, रन भी तो 140 है, रन भी ज्यादा नहीं है, मगर उसके बावजूद अगर आप खुद प्रेशर ले लें, मैं समझते ये प्रेशर लेके ये प्रेशर ले रहे हैं कि कहीं मैच हम वो ना हो जाए। तो इसके लिए ये होता है कि आपके पास शाहिन शाह अफरीदी है, शर्मानी है और हारिस रऊफ है, ये तीनों ऐसे भी हैं, कोई अगर कोई भी एक क्लिक कर गया इनमें से तो फिर ये मैच जो है ना बिल्कुल वो हो जाएगा लाहौर कलंदर के लिए। जफर साहब, जिस तरीके की पिचेस हमने कराची में देखी, तो जितनी आपने क्रिकेट खेली है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्यूरेटर को हमें फुल क्रेडिट देना पड़ेगा। डेफिनेटली, और ये बड़ी अच्छी बात आपने स्टार्ट की, पिचेस का जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जितनी भी पिचेस आजकल आ रही हैं और स्पेशली टी20 के लिए, उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। और काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में क्रिकेट आई है, नेशनल स्टेडियम की पिचेस को इस तरह प्रिपेयर करना बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इसी वजह से हमें दोनों दिन बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। 168, 169 चेज हुआ, आज 200 चेज हो रहा था, मोर और लेस चेज हो गया। आखिरी ओवर्स में छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, एक नया बैट्समैन आके 3 बॉलों पे 2 छक्के और 1 चौका मारा इफ्तिखार, क्योंकि अमूमन आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है विकेट पे, ये चीज़ सबसे अच्छी है। उसके बरस लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर की पिच हल्की सी आपको ग्रास नजर आ रही है। प्रोबेबली लाहौर वालों ने, लाहौर कलंदर ने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए इन्फ्लुएंस किया हो, दिस इज माय परसेप्शन, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि हर किसी को इजाजत है कि इजाजत नहीं है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इवेंट है और वो एक फ्रेंचाइज है, बाकी जो आके खेल रहे हैं, तो आप कोयटा का तो अपना ग्राउंड ही नहीं है, तो वो तो उनके तो फिर ये बेनिफिट जाएगा ही नहीं, पेशावर का तो अपना ग्राउंड ही नहीं है। मेरी परसेप्शन है, लेकिन आपकी परसेप्शन में बहुत दम है, जो आप बात कह रहे हैं वो शायद समझ गए होंगे जो समझने वाले। बिल्कुल, और यहाँ मैं वही बात करूंगा जो इकबाल भाई ने अभी की, हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, सुहेल को कैप्टन बनाने का जो डिसीजन है, मैं समझता हूँ इसमें आकिब की सोच नजर आ रही है और वो ये प्रूव करना चाह रहा है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो अबव द आउट ऑफ द बॉक्स, हाँ आउट ऑफ द बॉक्स है, अबव द लाहौर कलंदर है। ऐसा कभी भी क्रिकेट में नहीं होता, क्रिकेट के कुछ एथिक्स हैं, उसके बगैर आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। आपको टीम बनाने के लिए सलमान बट आपके पास थे, हाँ। आपके पास एक ऑप्शन मौजूद था, बिल्कुल, अगर सलमान बट को आप एज ए कैप्टन यूज किया जा सकता था। टीम को रन करने के लिए आपको लीडर चाहिए। कल जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे सरफराज कोयटा ग्लैडिएटर, वो बात यही थी कि आप अपनी टीम को किस तरह जेल रखते हैं, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 किस तरह परफॉर्म करते हैं। उनका स्टार्ट बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसके बाद आपको नजर आया कि एकदम जब कप्तान खेल रहा था, कप्तान लेस देन 50% के उससे खेल रहा था स्ट्राइक रेट से, और वो आखिरी ओवर्स चल रहे थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ही वॉज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर लाहौर कलंदर्स। देखिए ना जहाँ हफीज बैठे हो एक वाकई में सवाल दिखाई देता है जफर साहब, हफीज बैठे हो, सलमान बट बैठे हो, ऐसे में सुहेल अख्तर को आपने कप्तान लगाया। मकसद ये कि ऐसा लगता है कि डिसीजन कुछ ऐसे माहौल में हो रहे हैं कि जहाँ शायद समझ नहीं होती। समटाइम क्या होता है, समटाइम आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे जो हारिस रऊफ है वो एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि अब आपको हर फैसले में आके ये चीज नजर आ रही है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि दुनिया मेरी ही बातें करे। That's not gonna happen again। आप ये मुश्किल काम लगता है, ऐसा नहीं होता। आप जो जाया कर रहे हैं क्रिकेटर्स को वो ना करें प्लीज। बिल्कुल। Now that we're talking about captains, आज इमाद वसीम की कितनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। What do you have to say about that? इमाद वसीम हमेशा से बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, मतलब उनको जितनी सपोर्ट रही है ओवरऑल 19 से अगर उनको देखा जाए तो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और आज अगर ओवरऑल बात करूं मैं कराची की तो फिर ऑब्वियसली वो तो जीती नज़र आए, लेकिन मैं स्पेशली बात करना चाह रहा हूं अभी जो मैच चल रहा है मुल्तान सुल्तान और लाहौर की भी आप लोग बात कर रहे हैं, इनकी मैनेजमेंट जिसकी लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उसका हमेशा से मसला रहा है। राना आतिफ बहुत बैक करते हैं अपनी मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को बहुत बैक करते हैं, लेकिन वो इतना ओवर बैक कर देते हैं कि मैं हमेशा देखता हूं कि उनके प्लेयर ओवर एक्साइटेड और ओवर नजर आते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अब जिस तरह से बात आकिब जावेद की हो रही है, आकिब जावेद बहुत अच्छे कोच है, बॉलिंग कोच बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप आकिब जावेद को मैनेजमेंट दे देंगे और दे देंगे कि कैप्टनसी किसको करनी चाहिए, उसके बाद जो वहाँ पे माहौल रहेगा वो परफॉर्मेंस, ये 5वां सीजन है जिसमें दिख रही है मैनेजमेंट नहीं अच्छी नजर आई। देखिए यही फर्क है, मैं देखिए किसी को किसी से कंपेयर नहीं करता, हर किसी की अपनी क्लास होती है, लेकिन यही फर्क है। वसीम अकरम अपने काम से काम रखते हैं, बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वो अपने काम से काम रख के चुपचाप अपना आगे चलते हैं। आप ये कह रहे हैं आकिब जावेद अपने काम से काम नहीं रखते, वो दूसरे काम में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। देखिए वसीम ऑब्वियसली दिखता है ना। जफर भाई ये पॉइंट वैसे था, एज ए क्रिकेटर में आपकी तौकीर ने बात बहुत अच्छी की तो बॉल तो फेंक दो जी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे बात की कि आकिब जावेद एज ए बॉलिंग कोच मच बेटर, लेकिन अगर आप ओवरऑल सारी कमांड उनको सौंप देंगे क्या वो उसके कैपेबल हैं? समटाइम आप चीजें हैंडल नहीं कर पाते। हाँ। और जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। हाँ। और ऐसे ही मौके पे जो आपकी हायर मैनेजमेंट होती है वो आपको I shouldn't say that, but they have to give you a shut-up call। और वहाँ मैं शोएब अख्तर का जुमला मुझे याद आ रहा है। शोएब अख्तर एक चैनल पे बैठे हुए हैं, बड़े चैनल पे, और वहाँ पे उन्होंने जो पहला जुमला कहा जब लाहौर कलंदर्स की बात आई तो बड़ा ज़बरदस्त मीशा जुमला था। शोएब ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के साथ पिछले साल मैं भी था, इंजमाम भी थे, वो सबको हटा देते, नहीं हटते तो एक आकिब नहीं हटते, वो कौन सी गीदड़ सिंह, ये समझ में नहीं आती। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी उन्होंने कही थी जो कि कहना ज़रा ओके हम इधर जा रहे हैं, आप छोड़ दें अब इस बात को। जी महबूब भाई क्या हाल है, सब खैरियत है, तबीयत सेट है? आज मैच देखा, एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त मैच था आज तो। और जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, मेरा ताल्लुक भी कराची से, मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं कराची किंग को ही शुरू से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और जिस तरीके से आज बाबर, इमाद वसीम, इफ्तिखार सब ने खेला, बहुत खुशी है कि क्या नाम है कराची किंग ने अपनी टूर्नामेंट में एक ऐसी एंट्री की है कि ये सब टीमों के लिए थ्रेड है आगे जाके। और ये मैच के ऊपर जो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट के ऊपर बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो दुबई में एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें सुहेल अख्तर ये कैप्टन थे, मे बी ये पॉसिबल हो कि उन्होंने वो टूर्नामेंट विन करवाया था, तो क्या पता इस वजह से वो कैप्टन को उन्होंने रिटेन किया। दिस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। हाँ, दैट्स उस टूर्नामेंट में और इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्रिकेट को जिस तरीके से क्रिकेट अभी एडवांस हो गई है तो हर चीज़ को मद्देनजर रखना चाहिए। अब मोहम्मद हफीज के होते हुए प्रोफेसर पाकिस्तान की भी कप्तानी कर चुके हैं, मेरे ख्याल में एक बेटर ऑप्शन था, अगर वो कप्तान होते तो काफी अच्छे रिजल्ट होते। हफीज भी एक ऑप्शन था उनके पास जी, क्योंकि लास्ट ईयर हफीज का हाथ टूट गया था। हाथ टूटने की सजा ये मिली कि उन्हें उन कप्तानी में भी नहीं रखा, वो तो टीम में ही नहीं रख रहे थे, आखिरी चांसेस के अंदर हफीज को उन्होंने इंक्लूड किया था। कुछ कोचेस का प्रॉब्लम क्या होता है नसीम, के वो टीम को ड्रेसिंग रूम से मैनिपुलेट करते हैं, वहीं से चलाना चाहते हैं, और उसके लिए उनको वीकर कप्तान चाहिए होता है। अगर कप्तान स्ट्रांग होगा तो वो अपने डिसीजंस खुद बल्कि उसके डिसीजंस नजर आएंगे फील्ड। आप ये पाकिस्तान टीम की तो बात नहीं कर रहे? नहीं, अभी फिलहाल मैं लाहौर कलंदर, लेकिन थोड़ी थोड़ी अंदर है ये बात। ऐसा है अच्छा, ओके ओके जी। माजिद साहब के जरा सवाल लेकर जाए, देखता हूँ कैसा सवाल होता है ये। अच्छा, तो अब जब हम लोग मैनेजमेंट अभी आ गए, मुल्तान वर्सेस जो अभी लाहौर का मैच चल रहा है, दोनों टीम्स ही अभी इनका प्रैक्टिस मैच हुआ था एमसीसी से, दोनों ही टीम्स हार गई थी, तो आपको क्या लगता है दोनों की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी जब वो प्रैक्टिस मैच में एमसीसी के खिलाफ ही नहीं जीत पाए? नहीं, परफॉर्मेंस के ऊपर तो बात करें तो लाहौर की जो टीम है इसमें जो बॉलिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, हमारे लाहौर की तगड़ी है, पास तगड़ी बॉलिंग है। तो ये जो मैच अभी चल रहा है ये भी कोई मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मुल्तान सुल्तान ये मैच विन कर जाएगी इनसे, और देखते आगे होता क्या है। लेकिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात करें तो इंशाल्लाह अच्छे ही होगा लाहौर। हारिस रऊफ को देख के क्या लगता है? ये इनकी अपनी प्रोडक्ट है, हारिस रऊफ तगड़ा बॉलर है, जान लगाता है, जान लगाता है, दिल से खेलता है। एक मजेदार चीज बताओ, हाँ, उन्होंने बिग बैश के रिकॉर्ड उनके इनके नाम पे आया है, 20-15 ये 9 मैचेस में, स्टार का 10 मैचेस में उनकी 20 विकेट्स थी, 9 मैचेस में 20 विकेट्स है, और स्टार का बिग बैश में तो काफी तगड़े बॉलर है, 90+। हाँ, 90 प्लस के हमारे पास बॉलर अल्लाह के करम से 3-4 आ गए, अब उनको संभाल लो, ये बहुत ज़रूरी है, सारी दुनिया में नहीं मिलते हैं जितनी लॉट आपके पास आई है। कल हम आकिफ को देख रहे क्या गेंदे की हैं लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने, वो भी जबरदस्त हिसाब से। थोड़ा सा एक टेक्निकल इशू हारिस रऊफ का ये है कि उनका जब वो गेंद करते हैं तो फॉलो थ्रू जो है ना उनका, वो थोड़ा सा अगर वो मकसद है कि उनका गेंद पड़ के थोड़ा सा अंदर लाने की अगर ज्यादा गेंद जान लगाने में लगे हुए होता है, ये भी तो शोएब अख्तर की तरह, ये पिंडी के है ना शोएब अख्तर की तरह, इस्लामाबाद के हैं, तो इनकी कोशिश होती है बस तेज करनी है। बेसिकली टेप बॉल के क्रिकेटर थे ये जी, और टेप बॉल में जो लोग बॉलिंग करते हैं उसमें फॉलो थ्रू का इतना बड़ा कोई पार्ट नहीं होता, और वो मोस्टली अपनी बॉडी स्ट्रेंथ से और शोल्डर से बॉल कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, और अगर ये डेवलप करने की कोशिश करेगा तो चांसेस हैं कि इंजरीज हों। तो इसको इसको जिस तरह चल रहा है जितना इससे आप परफॉर्मेंस ले सकते हैं यही बेस्ट वे है। बिल्कुल, एक राफे से आप राफे से बात करें जी। मैं सबसे एक सवाल करूँगा, मुझे एक चीज जाननी है। हम चले जाएं फिर? नहीं, आप भी सबसे अगर आप ही सवाल करेंगे। अच्छा जी, राफे से प्लीज एक सवाल आपने करनी है सबसे जी। अच्छा, तो ये है सवाल कि फॉर सपोज मैं एक रीजन को जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीइंग एन ऑनर, ठीक है, एक ऑनर हूँ मैं और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर सपोज कराची को, इस तरह से राना आतिफ कर रहे हैं लाहौर को। अब इतनी कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंसेस खराब रही है, अच्छे प्लेयर्स भी ले रही है, बुरे प्लेयर्स भी ले रही है, तो कोई तो ऐसी चीज है जो वहाँ पे लैक कर रही है। अब जो चीज़ लैक कर रही है वो उनकी मैनेजमेंट है, वो भी दिखने लगा अब साहब, वो चीज़ झलकने लगी है। मैं ही सिर्फ ये बात नहीं कर रहा, सभी ये बात करते हैं। तो क्या ये अपने रीजन से या लाहौर के रहने वालों से नाइंसाफी नहीं है? तो इस चीज़ की कोई पूछ करेगा या नहीं करेगा? बेशक उन्होंने बहुत पैसा लगा दिया, लेकिन पैसा ही सब। बिल्कुल, हमें ब्रेक पे नहीं अभी एक कंटिन्यू से जवाब ले लें, फिर जाते हैं हम ब्रेक पे जी। देखिए उस्मानी साहब, थोड़ा सा जी बात यह है कि इस जो बात आप कह रहे हैं इससे तो पूरी लीग के डायनामिक चेंज हो जाते हैं अगर आप रीजनल टीम्स करना शुरू करते हैं। जो मतलब रीजन लाहौर एक रीजन है, बहुत सारे लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस बात को आपके मतलब मैं कहूँगा कि मैं इसको वो पॉजिटिव उस पर कहता हूँ कि हाँ, अगर ऐसा हो तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जांपल आप पूरे कराची से या कराची किंग्स के या पूरे सिंध की रीजन से टीम बनाते हैं, फॉरेनर्स सिंध के प्लेयर्स में ब्लेंड होकर फिर खेलते हैं, तो सिंध वालों को ठीक है ना कराची की ओनरशिप फील होगी। अभी क्या है, कराची का एक लड़का दूसरी टीम में खेल रहा है, एक यहाँ से खेल रहा है, इसी तरह लाहौर के मतलब उस रीजन के कनेक्टेड जितने भी प्लेयर्स हैं कराची में, कराची के लड़के नजर नहीं आ रहे पूरे पीएसएल में कराची के चंद लड़के, ठीक है ना। तो मकसद ये है कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट वो हो जाएगा। तो आपका पॉइंट बहुत वो है मगर वैलिड है, मगर बात ये है कि जी लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है वो वन मैन शो चल रहा है बेसिकली। लेकिन बात ये है कि वो आकिब जावेद, ठीक है ना बात ये है कि बीइंग अ क्रिकेटर मैं एक बात मतलब कहना भी यही चाहता हूँ कि अगर आपका कैप्टन इंटरनेशनल प्लेयर ही नहीं है, उसने अभी तक मतलब उसको स्टार ही नहीं लगा हुआ, और जिनकी वो कप्तानी कर रहे हैं सब स्टार्स हैं, ठीक है ना, उसकी टीम में चार पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तीन बाहर के इंटरनेशनल स्टार्स हैं, तो वो मतलब अपनी 11 के स्क्वाड में 9वें नंबर पे आ रहा है अभी, ठीक है ना, रैंकिंग वाइज, ठीक है ना। तो वो किस तरह उन स्टार्स को मैनेज कर सकता है, उसमें इतना सेंस होगा इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्रिकेट और एक्सपीरियंस ही नहीं है उसके पास कि वो उनको वो जो आउट ऑफ द बॉक्स एक आकिब जावेद के जहन में ना वो है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर जो बैठे हुए उनके जहन में गए आउट ऑफ द बॉक्स। चलें जी, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस कन्वर्सेशन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। फातमा फर्टिलाइजर एंड लिप्टन प्रेजेंट्स जीतेगा पाकिस्तान, वेलकम बैक। आज एक बहुत ही अच्छा मैच खेला गया है, कराची किंग्स वर्सेस पेशावर जलमी। उसमें एक हमारे बहुत अच्छे शर्जील खान बैट्समैन आए हैं आफ्टर स्पॉट फिक्सिंग बैन। तो लेट्स सी, पूछते हैं अपने गेस्ट से कि क्या ये उनके लिए एक और चांस है। जी इकबाल साहब, थोड़ा सा बताइएगा इस बार। देखिए शर्जील बहुत बड़ा बैट्समैन है और उसको एक बैट पैच आ गया, जो कुछ भी हुआ वो बैट पैच। मैं देखिए मैं अपने उससे बैट पैच कहूंगा उसको, जब शर्जील क्यों फंसा इसलिए बैट पैच कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसकी वजह से कि आपको ये रात को पता लग गया सब कुछ, तो पहली बॉल क्यों खिलवाया। जैसे आज उमर अकमल को आपने पहले बिठा दिया, वहाँ पे भी ये कर सकते थे, या फिर आप कहते हैं कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे, हमें किसी को ज्यादा फंसाना है किसी को कम, आप ये बात कह रहे हैं। देखिए बात वही है, मैं यही कह रहा हूँ ना कि अब इसको जो है उमर अकमल को अगर वो देखा जाए, उमर अकमल के पीछे भी कोई ना कोई हाथ लग गया है कि इतना होने के बाद जब आपको पता है कि आप 15 दिन से उसकी कॉल ट्रेस कर रहे हो और उसके बाद आप एक्शन किस दिन लास्ट डे ले रहे हो, वो भी रात को 4:30 बजे बुला के आपने मुइन खान को और नदीम उमर को बुला के। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके ऊपर, और आपने देखा इसके ऊपर मीडिया भी बोल रहा है और हामिद मीर ने भी इस पे बड़े कमेंट्स किए इसके ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम इस तरीके से नहीं होना चाहिए, और ये होने से ये नहीं हुआ कि आपकी वाह वाह हो गई है या आपके जो एंटी करप्शन यूनिट है उसकी। ये दुनिया में हमारे ऊपर एक और वो लगाया गया है कि यार ये क्यों। इकबाल भाई इंडिया ने लोधा कमीशन बिठा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लगाया, वो 9 खिलाड़ियों का नाम मांग के थक गए। श्रीनिवासन इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड, एट द सेम टाइम ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सुने आप, उनकी टीम बैन हो जाती है लेकिन धोनी बैन नहीं होते, रायना बैन नहीं होते, और वो जाके जो है वो पूना वॉरियर से खेल रहे हैं। ये जो आपने ये पॉइंट रेज किया है, इससे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जी पीसीबी ये जितने ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो गलत सरगर्मियों में जा रहे हैं, ठीक है, कोई गलत चीज करने वाले उनको सेफ करे, आप क्या चाह रहे हैं कि पीसीबी उनको सेफ करे? आपका अच्छा सवाल है। या फिर अगर वो जब कमिट कर लें तो उनको उसके बाद सजा दी जाए। तो मकसद ये, अगर बीसीसीआई ने ये किया तो ये उनका गलत वो था, बिकॉज ये प्रमोट कर रहे हैं अपने अंदर फिक्सिंग कल्चर। बात पता है क्या राफी, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हो, आपके साथ क्रिकेटर, आपने सारे ड्रेसिंग रूम सरफराज और सबके साथ शेयर किया हुआ, आप जानते हैं कि क्रिकेट के अंदर ये चीज़ जिस तरह सरैयत कर गई है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राफे ज़रा मुझे बताइएगा, शर्जील फंस गए, खालिद लतीफ़ फंस गए, ये जो इस टीम के अंदर जो करंट टीम के लोग हैं उनमें से कोई है आपके लिए? डाउट है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप बोलोगे नहीं 4-5 लगते हैं मुझे, आप बोलोगे वो पकड़े नहीं गए। मैं आपको जो बात कर रहा हूँ ना, वो पकड़े नहीं गए। इन चीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क है कि वो पकड़े नहीं गए। पकड़े जाने वाला ही चोर हमारे यहाँ पर करार दिया जाता है, लेकिन हम उसको पकड़ना चाहते हैं या नहीं पकड़ना चाहते, ये भी सवाल है। अभी इकबाल भाई ने बात कही कि शर्जील को आपने गेंद खेलने तक इंतजार किया, उमर अकमल को आपने पहले रोक लिया। शर्जील पे भी यही चार्ज था ना कि स्पॉट फिक्सिंग, उमर पे भी यही चार्ज था, तो एक को आप थोड़ा सा सेफ कर लो, एक को आप फंसा दो। शर्जील पकड़े गए ना बेसिकली, मतलब वो तो उमर अकमल उन्होंने फर्ज करें अगर उनकी कन्वर्सेशन सुन भी ली एंटी करप्शन में जो भी बॉडी है उसने, तो फिर उन्होंने वो डॉट कर दी, जैसे उन्होंने कहा जी कि उन्होंने चौके की बॉल पे सिंगल ले लिया या उसको डॉट कर दिया, तो उन्होंने क्राइम कमिट कर लिया। उमर अकमल को तो बेसिकली इन्होंने करने से पहले ही बचा लिया ना, तो उसको क्यों नहीं बचाया? सवाल यही है। देखें अब वो दुबई में हो रही, नहीं दुबई और पाकिस्तान में नहीं, मुझे पता है पहले जी उनको पता था, वो इंतजार कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने खेलने तक दोनों केसेस सेम है। बात सारे जो इकबाल भाई का सवाल है बड़ा लॉजिकल है कि किसी के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है, किसी के लिए डिफरेंट है। आप बात को समझे, देखिए इसी पे ये इल्जाम है उमर पे भी और ये इल्जाम शर्जील पे। डिस्क्लोज तो नहीं किया उन्होंने नसीम भाई, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग की चीजें काफी हद तक सामने आ गई है। मशहूर शख्सियत से मिले से क्राइटेरिया डिफरेंट था। जब वो 19 में रन करता था ना, उसको पता होती थी ये बात कि वो सेलेक्ट नहीं होगा, ये मेरी आंखों देखी बात है। और शर्जील एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलता रहा, देखिए वो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स की वजह से आया टीम के अंदर, क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई था नहीं। शान मसूद को टीम में आना है, इसके अलावा इमाम उल हक को खेलना है, अहमद शहजाद को खेलना है। नसीम भाई ये अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ बैठे क्रिकेटिंग जितने यहाँ पे लोग हैं उनको सब बातें पता है, लेकिन बहुत सारी बातें हम टीवी पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। मैं भी नहीं बोलूंगा, चले बहुत बुरी बात हो जाती है। क्योंकि मैं पता है क्या बात कह रहा था आपको, मैं बात ये कह रहा था कि नासिर जमशेद इसके सरगना करार दिए गए और अब इंग्लैंड में भी उनको सजा हो गई, उनके साथ दो और लोगों को भी, एजाज को भी और अनवर को भी सजा हो गई, दोनों सबको सजा हो गई। मैं बात ये कर रहा हूँ अगर शर्जील उस वक्त टेस्ट में भी आ गए थे, जफर भाई आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में भी जाके 50 कर दिया था उन्होंने, फायदा किसको हो रहा था आप जरा सोचें। नहीं पाकिस्तान को तो फायदा हो रहा था कि शर्जील खेल रहे हैं, शर्जील के हटने से किसको फायदा हो रहा है जरा सोचें। और नासिर जमशेद असल बाएं, अब आप जरा बात को गौर से देखें फायदा किसको हो रहा है। फायदा अगर देखें तो दो प्लेयर ऐसे हो रहा था कि एक ने आज दिन में मैच खेला, एक ने रात में मैच खेला। पर भाई अब मैं नाम नहीं लूंगा। देखिए मैं बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, ये तमाम सिनेरियोज हमेशा और हर कंट्री में चलते हैं। अगर इंडियंस अपने प्लेयर को सेव करते हैं या दूसरी कंट्रीज में प्लेयर्स को सेव किया जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि आइंदा ये क्राइम ना हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा लॉ किसी के लिए कहीं फिट होता है, किसी के लिए कहीं फिट होता है। उस केस में अगर आप याद हो मोहम्मद इरफान का नाम भी था, अगर आप इंग्लैंड चले जाएं तो आपको वहाँ रियाज भी कोट में पहनता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी चीजें होती हैं हमारे मुल्क में ओपन ट्रायल क्यों नहीं होता? आप ओपन ट्रायल करो, आप शर्जील कह कह के थक गया आप मुझे, आप कोर्ट में वो हाई कोर्ट में चला गया शर्जील। हाँ, लेकिन आप क्या करते हो सारा बिहाइंड द कर्टन सेटल करते हो सारा। देखिए बात ये कि अच्छा प्लेयर के ऊपर भी है। जुल्करनैन हैदर की मैं बात करूंगा कि जो जुल्करनैन हैदर के साथ ट्रीटमेंट हुआ, अब मैं जाहिर है कंप्लीट स्टोरी तो कोई भी नहीं जानता बिकॉज वो आज तक मैं दुबई में था, मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, अब उसका मैच जीतने के बाद जो रिएक्शन था, ठीक है ना, उसने जो ड्रेसिंग रूम की तरफ किया, फिर उस अगले दिन ही वो गायब हो गए। तो मकसद ये कि इस तरह की चीजें बात ही कई दफा शायद प्लेयर को थ्रेट भी होते हैं। की बात की है ना, मैं इस पे बात करूंगा अभी। मकसद ये कि ये अगर तुम 20 साल पहले 15-20 साल पहले मेरी बात सुने, एक विकेट कीपर था राशिद लतीफ, पाकिस्तान का कप्तान, उसका रिएक्शन भी था इंग्लैंड सीरीज में, उसने मैच जिताया था, उसके बाद टफ टाइम भी देखा था, सब तो चलता है। सबसे बड़ी चीज वो जो बैट दिखाया था ना, उस बैट को दिखाने के बाद फिर उसको अपना सामान भी छोड़ के भागना पड़ा था। मैं ये क्योंकि वो कमजोर था राशिद लतीफ के पीछे एक बहुत सारी चीजें थी, वो एक ताकत था राशिद उस वक्त। मैं वो था राशिद लतीफ साहब उस वक्त एक ताकत थे राशिद। इससे अगर बात रब्ता किया बड़ी मुश्किलों से रब्ता जुल्करनैन से, सारी चीजें मैंने उससे पूछी। किससे रब्ता किया? ये जुल्करनैन से। जिस वक्त ये हुआ सारी चीजें इसने मुझसे 2-3 दफा वो किया, फिर मैंने उसको कॉन्फिडेंस दिया, मैंने कहा यार मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए लड़ूंगा मैं। तो फिर जब ये कहना अच्छा मैं फिर ये लाहौर आया, जब ये लाहौर आया मैंने तुम्हारी इंजरी नहीं थी जो एक या कहा था ना कि इसकी इंजरी हो गई है, मैंने कहा तुम अभी जाओ और जाके फिर दोबारा से अपना एक्सरे कराओ और एक्सरे कराने के बाद फिर मुझे बताना। फिर इसने कहा सर मेरे साथ बड़ा मत। फिर इसका रात के 3 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि सर मेरी वो हो गई है, सुबह मेरे को रिपोर्ट मिलनी है। जब रिपोर्ट मिली है जफर भाई सुनिएगा, जब रिपोर्ट मिली है उसने कहा कोई भी नहीं है कि डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर कौन? कह लें ऑर्थोपेडिक जो है। मैंने कहा उससे मेरी बात कराओ, मैंने उससे बात की है, उसने कहा कि एयर बाल के बराबर वो है, कोई ऐसा नहीं खेल सकता था ये। मैंने कहा आप सारी खबरें जो दे रही हैं ना वो हेडलाइन की दे रहे हैं, टाइम भी हो गया हेडलाइन का जी। चले जी ओके।